जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता, आप सभी का स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ अति प्राचीन महावीर हनुमान मंदिर के, और जानेंगे मंदिर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अलीगंज कस्बे के एटा कायमगंज रोड पर स्थित है। ये प्राचीन मंदिर अलीगंज के अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। अलीगंज में महावीर हनुमान, विराट हनुमान, बूढ़े हनुमान और वन खंडी हनुमान जी के अति प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर उन अति प्राचीन सिद्ध चार हनुमान मंदिरों में से एक है, जिसको भक्त महावीर हनुमान जी के नाम से जानते हैं। ये इस नगर का पारंपरिक मंदिर है। इस मंदिर का कई बार सुंदरीकरण भी हो चुका है। ये मंदिर चतुष्कोण शैली में बना हुआ है। मंदिर के ऊपर गुम्बद बना हुआ है। ये मंदिर भी इस नगर के अन्य प्राचीन मंदिरों की तरह ही प्राचीन ईंट ककया से निर्मित है। सभी प्राचीन मंदिर इस ईंट से बने होते हैं। पहले इस मंदिर के शिखर पर पीतल का मठ था, जो क्षतिग्रस्त होकर निकल गया होगा। ये मंदिर मुख्य रूप से हनुमान जी को समर्पित है। स्थानीय बोली में इनको भक्त महावीर बाबा या महावीर मठिया के नाम से जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में महावीर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। हनुमान जी बंधन सुदूर से सजे रहते हैं तथा इनका परंपरागत तरीके से श्रृंगार किया हुआ रहता है। तो आप लोग भी महावीर हनुमान जी के दर्शन करिए। अन्य प्राचीन मंदिरों की तरह ही पहले इस मंदिर में भी प्राचीन चित्रकला बनी हुई थी, जो चुने की पुताई होने के कारण अब वो चित्रकारी विलुप्त हो गई। पहले इस मंदिर के समीप ही एक प्राचीन कूप यानी कुआं था। सभी प्राचीन मंदिरों के पास कुआं, तालाब या कुंड बने ही होते हैं, पर अब यहाँ समय चलते वो कुआं नहीं है। पहले के समय में मंदिरों में प्रवेश से पहले कुआं, तालाबों, कुंडों या फिर नदी जो भी मंदिर के पास होती थी, उसमें स्नान आचमन करके ही मंदिर में प्रवेश होने का प्रचलन था। प्राचीन मंदिरों के आसपास के कुआं, तालाबों को तीर्थों के समान माना जाता था। इसलिए अज्ञानता के कारण मंदिर के समीप बने कुआं, तालाबों को बंद नहीं करवाना चाहिए। पुराणों में कुआं, तालाबों, कुंडों को बंद करवाना महापाप माना जाता है। इस मंदिर की देखभाल भगवान दास पुजारी जी करते हैं। मंगलवार शनिवार को भक्त यहाँ हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करते हैं। हनुमान जी सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भक्तों की मनोकामना पूरी होने पर भक्त इनको प्रसाद सिंदूरी चोला अर्पित करते हैं। इस मंदिर की मुख्य परंपरा, जिसमें चैत्र मास शीतला पूजा और आषाढ़ मास की शीतला पूजा के दौरान नगर के परंपरागत चार मंदिरों में दर्शन पूजा की जाती है। शीतला पूजा में चार पड़ाव यानी चार प्राचीन मंदिर होते हैं, जिसमें चौथा पड़ाव ये महावीर हनुमान मंदिर होता है। यहाँ भोजन करके घर जाने की परंपरा है, जिसको नगर के सभी लोग श्रद्धा भक्ति से निभाते हैं। यहाँ पर भक्त महावीर हनुमान जी का पूजन करने के बाद प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं, और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि पर यहाँ मेला लगता है। इस दिन इनके दर्शन पूजन का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस मेला को स्थानीय बोली में महावीर मठिया मेला बोला जाता है, जिसमें दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी आते हैं, और यहाँ रामलीला से जुड़ी कुछ परंपरा निभाई जाती है, और यहाँ नगर में मर जाने वाले बंदरों के मृत्यु शरीर को भी इनके मंदिर के पीछे गाड़ा जाता था। इस मंदिर से जुड़ी ये खास परंपराएं हैं। मंदिर के पास ही प्राचीन बरम देवता और हरदेव नाम के नगर देवता का चबूतरा है। ये स्थान भी प्राचीन समय से इस मंदिर के साथ ही है। ये बरम देवता कब के है बड़े बुजुर्गों को भी जानकारी नहीं है। स्थानीय बोली में इनको बड़े बरम देवता बोलते हैं। और यहाँ कुछ अन्य मंदिरों का निर्माण भी भक्तों द्वारा हुआ है, जिसमें एक दुर्गा मंदिर तथा राम दरबार मंदिर और शिव मंदिर शामिल है। आइए आपको उन मंदिरों के भी दर्शन करवाते हैं। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर दुर्गा माता का है। आप लोग भी दुर्गा माता का दर्शन करिए। और ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर राम दरबार का है, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की आकर्षित प्रतिमाएं स्थापित है। आप लोग भी राम दरबार स्वरूप का दर्शन करिए। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर भगवान शिव का है,
जिसमें भगवान शिव लिंग रूप में स्थापित है। आप लोग भी भगवान शिव का दर्शन करिए। महावीर हनुमान जी से प्रार्थना है, वे अपने सभी भक्तों की रक्षा करें। और जो लोग अलीगंज से हैं, वो मंगलवार को महावीर हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। आजकल लोग पुराने मंदिरों को भूलकर नए मंदिरों की ओर जाते हैं, जिससे पुराने मंदिर खंडहर हो रहे हैं, जबकि पुराने मंदिर सिद्ध और जागृत होते हैं। आजकल के नए मंदिरों और प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला शैली और प्राण प्रतिष्ठा में जमीन आसमान का अंतर है। तो दोस्तों, ये थी महावीर हनुमान मंदिर से जुड़ी जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।